अब आप किसका इंतजार कर रहे हो? इतना प्यारा 3 BHK 110 गज का 30 फीट चौड़ी रोड में और नवादा मेट्रो का वॉकिंग डिस्टेंस और कीमत आपके बजट में, तो अब आपको यह फ्लैट दिखाता हूं। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुशील मिश्रा आपके अपने चैनल सिस्टी होम में। बहुत ही प्यारा 3 BHK का लिव्ड विद कार पार्किंग का, और सबसे बड़ी खासियत है वो लोग जो कहते हैं भैया मेट्रो से दूर नहीं जाना, मेट्रो के जस्ट बगल में मेन रोड से 100 मीटर भी नहीं 50 मीटर की दूरी पर 3 BHK का 110 गज का फ्लैट और 30 फीट चौड़ी रोड, दोनों तरफ 30 फीट चौड़ी रोड है, लिव्ड विद कार पार्किंग है और सबसे बड़ी खासियत बहुत ही लग्जरियस है। आप देख सकते हैं कि ड्राइंग रूम भी इतना जबरदस्त है। 3 BHK का लिफ्ट विद कार पार्किंग का 80% हाउसिंग लोन के साथ है, LIC हाउसिंग से अप्रूव्ड है। तो बिना डिले करे एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब आपको ये फ्लैट दिखाता हूँ कि कैसे हमने बनाया है। ये आपका लिफ्ट का पार्ट है, यहाँ से आप स्टेयर्स आ रही है। इस पार्ट में आप देख रहे हैं पूरी हमने टाइल्स लगा रखी है और ये आपके घर की एंट्री है। एंट्री की बात करता हूँ तो ये आपका ईस्ट है और ये आपका वेस्ट है। तो आप अपने घर के अंदर ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शंस में एंट्री कर रहे हैं और देख सकते हैं बहुत ही प्यारा ड्राइंग रूम आपको मिल रहा है। एक सोच और समझ से कहीं ज़्यादा 100 गज का फ्लैट ऑन पेपर होने के बाद आपको 110 नहीं 120 गज का कवर्ड एरिया दिखेगा। इतना बड़ा ड्राइंग रूम कहीं देखा है आपने? 100 गज के फ्लैट में एक जबरदस्त ड्राइंग रूम आपको मिल रहा है। साइज की अगर बात करता हूँ तो 15x20 का साइज आपको मिलने वाला है और ड्राइंग रूम का वॉलपेपर प्लस यहाँ टाइल का काम प्लस स्ट्रिप का वर्क अपने आप में एक बहुत ही जबरदस्त एक कोठी जैसा फ्लेवर आपको मिलने वाला है। यहाँ पे पार्ट में स्प्लिट एसी की फिटिंग देख रहे हैं, एक बहुत बड़ी फॉल सीलिंग नजर आ रही है। आप देखेंगे तो लगेगा कितनी लंबी होती जा रही है, बहुत ही प्यारी फॉल सीलिंग आपको मिल रही है। और इसके साथ ही इस पार्ट में आप देख सकते हैं एक जबरदस्त आपको LED पैनल मिल रहा है, बहुत ही प्यारा और बिग साइज का, जैसा हम लोग नॉर्मली कोठियों में या जनकपुरी विकासपुरी या द्वारका के फ्लैटों में काम करते हैं वैसा फ्लेवर हम देने की कोशिश कर रहे हैं। एक टाइल देख रहे हैं आपको, कलरफुल टाइल मिल रही है बहुत ही प्यारी और स्टैंडर्ड 2x4 की, सारी की सारी टाइलें आपको 2x4 की। आप देख सकते हैं एल शेप का सोफा लगाने के बाद आपके पास प्रॉपर डाइनिंग टेबल रखने का स्पेस निकलता है, मूविंग एरिया तनिक भी डिस्टर्ब नहीं हो रहा है। दो रूम आपके इस साइड है, एक रूम आपका इस साइड है, तो स्पेस देखिए कितना खुला डुला मिलने वाला है। अब आपको मैं किचन दिखाता हूँ फिर कॉमन टॉयलेट दिखाता हूँ। इतनी प्यारी किचन, इतनी बड़ी किचन कहाँ मिलेगी? देखिए बहुत ही बड़ी बिग साइज की किचन, आराम से 4 लोग यहाँ खड़े हो सकते हैं। जितना हम लोग कभी कभी फ्लैटों में दिखाते हैं कि भैया इतना बड़ा रूम है, आप देखिए पेंट्री एक जबरदस्त और बिग साइज की पेंट्री आपको यहाँ मिल रही है। इसके साथ ही इस पार्ट में आपका सिंक आता है और यहाँ भी RO गीजर की फिटिंग के लिए स्पेस दिया गया है। साथ में आप स्टोरेज के लिए देख सकते हैं, बड़ा प्यारा सा एरिया आपको मिल रहा है स्टोरेज के लिए, काफ़ी सारी कटलरी आपको यहाँ रखने के लिए मिल रही है और साइज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी बड़ा एरिया। ये साफ का प्रोविज़न है। इस पार्ट में आपका चिमनी लग रही है, यहाँ आपका गैस चूल्हा आता है, मेरी एडवाइस में आप गैस चूल्हा अपना यहाँ रखेंगे। और ये आपका पावर पॉइंट आ रहा है आपके माइक्रोवेव ओवन के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस पार्ट में अभी देख सकते हैं काफ़ी बड़ा एरिया मिल रहा है आपको स्टोरेज के लिए। और ऊपर देखिए कोब लाइट के लिए स्पेस प्रॉपर दिया हुआ है, कोब लाइट के साथ ऊपर फॉल सीलिंग का काम, उसके अंदर स्ट्रिप लाइट और कंसील लाइट्स का यूज़ काफ़ी अच्छा है और लुक वाइज देखें तो बहुत ही प्यारी। और इन सब चीज़ों में जो 4 चांद चीज़ें रही है वो वाइट कलर की जो टाइल है, इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा है, जबरदस्त आपको दिख रहा है। वास्तु के हिसाब से देखें
तो ये मेरा साउथ है और ये मेरा वेस्ट है, आपका इस कहना अग्नि कोण आपको परफेक्ट मिल रहा है आपको यहाँ पे। वास्तु के हिसाब से आपकी किचन एकदम परफेक्ट है। अब आपको कॉमन टॉयलेट दिखाता हूँ, एक जबरदस्त और बिग साइज की टॉयलेट आप देख सकते हैं। दोनों हाथ फैलाने के बाद भी एरिया आपको स्पेयर मिल रहा है और ज्यादा बड़ा एरिया है। इस पार्ट में आपको डाइवर्टर लगा हुआ मिल रहा है और यहाँ आपका शावर लग रहा है। व्हाइट कलर की टाइल के साथ ग्रे कलर का कॉम्बिनेशन बहुत ही प्यारा है। वॉल माउंटिंग टॉयलेट आपकी इस पार्ट में आ रही है और यहाँ आपका गीजर की फिटिंग आ रही है। पॉप पॉइंट्स आपको इस पार्ट में मिल रहा है, स्पेस देख रहे हैं प्रॉपर खुला डुला आपको मिल रहा है। इस पार्ट में आपका शाफ्ट का प्रोविजन है, यहाँ आपका एग्जॉस्ट की फिटिंग आती है। तो देख सकते हैं बाथरूम का साइज बहुत ही जबरदस्त, साथ में फॉल सीलिंग के साथ स्ट्रिप लाइट का यूज वो भी अपने आप में जबरदस्त है। आपको अंदर वाला बेडरूम दिखाता हूँ, फिर बालकनी वाले दोनों बेडरूम दिखाऊंगा। ये देखिए, ये अंदर वाला पहला बेडरूम आप देख रहे हैं और साइज देख सकते हैं, साइज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जो लोग कहते हैं भैया मेरे को 12x12 का बेडरूम चाहिए, यहाँ तीन के तीनों कमरे आपको 12x12 के बेडरूम मिलने वाले हैं। बहुत ही प्यारा साइज है और इसके साथ ही देख सकते हैं बड़ा प्यारा सा वॉलपेपर मिल रहा है। अपने आप में जबरदस्त यूनिक आइटम ढूंढ के ला रहा हूँ, बहुत ही प्यारा वॉलपेपर लग रहा है। इसके साथ ही फॉल सीलिंग का जो वर्क है, स्ट्रिप लाइट और कंसील लाइट का यूज अपने आप में जबरदस्त है। इस पार्ट में वेंटिलेशन के लिए हमने आपको शाफ्ट दे रखा है, डबल विंडो शाफ्ट है, बाहर ग्लास है और इधर मॉस्किटो विंडो लगी हुई है। इस पार्ट में आप देख रहे हैं एक जबरदस्त और बिग साइज की अलमीरा मिल रही है। आपकी सोच और आपकी जरूरत के अकॉर्डिंग हम वो काम करने की पूरी कोशिश करते हैं कि आपकी नीड कैसे फुलफिल कर सके। कंप्लेन 0% है। आप एक बार फ्लैट लेने के बाद बोल तो दो कि भैया मेरे को यहाँ कंप्लेन है। तो मेरे मित्रों, इतना प्यारा बिग साइज का बेडरूम कहाँ मिलेगा? आपको बालकनी वाले दोनों बेडरूम दिखाता हूँ। आपका सेकंड बेडरूम देख रहे हैं, साइज प्रॉपर, ईस्ट और वेस्ट में आपका बेड डलता है। इसके साथ ही वॉलपेपर मिल रहा है आपको, बड़ा प्यारा सा वॉलपेपर मिल रहा है। इस पार्ट में आपको अलमीरा मिल रही है। आपका जो कॉम्बिनेशंस है वो देख सकते हैं, बड़ा प्यारा सा स्टोरेज के लिए भी काफ़ी स्पेस आपको मिल रहा है। देखिए, अलग अलग काम करने का जो तरीका है, कोशिश करते हैं बेस्ट टू बेस्ट करने की। इसके साथ ही जो फॉल सीलिंग का काम है वो भी देखिए, कंसील लाइट और स्ट्रिप लाइट के साथ काफ़ी अच्छा है। इस पार्ट में आपको सारे पावर स्विच मिल रहे हैं। कल को इन फ्यूचर आपको यूज़ करना है, आप यहाँ पे ग्लास लगा सकते हैं, ये आपका ड्रेसिंग बन सकता है, प्रॉपर यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही इस पार्ट में हम आपको विंडो एसी की फिटिंग दे रहे हैं, यहाँ ग्रिल लगी हुई है, आप यहाँ अपना विंडो एसी यूज़ कर सकते हैं। पावर पॉइंट आपको ऊपर मिल रहा है और इसके साथ ही बालकनी की एंट्री है। आपको पहले बालकनी दिखाता हूँ, फिर मास्टर बेडरूम दिखाऊंगा। ये बालकनी का स्पेस देख रहे हैं, काफ़ी बड़ा एरिया आपको बालकनी मिल रहा है। यहाँ आपको टैप मिल रही है, यहाँ पावर पॉइंट मिल रहा है, यहाँ वॉशिंग मशीन आप लगा सकते हैं। इसके साथ ही ग्रिल आप देख सकते हैं, आयरन ग्रिल, कर्टन के रॉड, सारी चीज़ें प्रॉपर लगी हुई। ऊपर देखिए प्रॉपर टाइल्स का काम, प्लस फ्रंट एलिवेशन का जबरदस्त आपको यहाँ वर्क मिल रहा है। तो अपने आप में बालकनी खुली डुली और 30 फीट चौड़ी रोड पे ये बालकनी है, तो आराम से आप चेयर डाल के यहाँ बैठ सकते हैं, इतना स्पेस आपको मिल रहा है। आइए मास्टर बेडरूम में चलते हैं। ये आपका ड्रेसिंग है, देखिए जबरदस्त और बिग साइज की अलमीरा के साथ आपको ड्रेसिंग टेबल का कॉम्बिनेशन, क्योंकि ये आपकी अटैच टॉयलेट है और सनमाइका का डिज़ाइन देख सकते हैं, बड़ा प्यारा है। इस पार्ट में वॉलपेपर देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा है। साथ में फॉल सीलिंग का वर्क भी, वो भी बहुत ही जबरदस्त है। इस पार्ट में आप देख सकते हैं बड़ी प्यारा सा, आपको यहाँ पर बेड डाल सकते हैं। टाइल्स का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छी है और इसके साथ ही आपको इस पार्ट में LED पैनल का डिज़ाइन मिल रहा है। वॉल के साथ है, प्रॉपर आपका रूट कवर नहीं कर रहा है, स्पेस नीचे कवर नहीं कर रहा है और खुला डुला एरिया आपको मिल रहा है। इस पार्ट में अपना विंडो AC लगा सकते हैं, यहाँ पावर पॉइंट मिल रहा है और इसके साथ ही आपका अटैच टॉयलेट आ रहा है। ये देखिए, इतनी प्यारी सी टाइल्स कहाँ मिलेगी, समुद्री कलर में ये टाइल्स का डिज़ाइन बहुत ही ज़बरदस्त है। यहाँ डाइवर्टर लग रहा है, इसके साथ ही आपको ये टैप मिल रही है, वो वॉल माउंटिंग टॉयलेट मिल रही है, यहाँ आपकी गीजर की फिटिंग आ रही है और इस पार्ट में आप देखिए वॉश बेसिन की फिटिंग है, यहाँ आपका एग्जॉस्ट की फिटिंग आती है। तो स्पेस सेकेंड बाथरूम में देखें तो इतनी कॉम्पैक्ट नहीं है, खुली डुली बाथरूम आपको ये भी मिल रही है। आखिर वो और क्या चाहिए, जितना बड़ा 2BHK मैं रूम देता हूँ, उतनी बड़ी तो मैं किचन दे रहा हूँ यहाँ आपको। आप देखिए, आँख खोल के देखिए, इतनी बड़ी किचन है, जितना बड़ा 2BHK में बेडरूम मिलता है। 110 गज कवर्ड एरिया का, लिव विद कार पार्किंग का, 30 फीट चौड़ी रोड में, मेन रोड से 100 मीटर नहीं 50 मीटर की दूरी पर, 2 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस, लिव विद कार पार्किंग का। तो मित्रों, इतना अच्छा फ्लैट कहाँ मिलेगा और किसका इंतजार कर रहे हैं? क्यों अपने रेंट पे रह रहे हैं, 20-30-40 हज़ार रुपये रेंट दे रहे हैं? तो भाई वो EMI दे दो ना, लिव विद कार पार्किंग का। तो मेरे मित्रों, आपका बेसब्री से इंतजार 60 ओम चैनल की तरफ, प्राइस डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, इसलिए बिना डिले करे थैंक यू।